चोरी करेगी मोटी होके मरेगी। नमस्कार जय माता की, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सोनी और आज मैं आपको लेकर आई हूं सदर बाजार में। तो भाई मेरे व्यूअर्स सदर बाजार की वीडियोस में बहुत पसंद करते हैं, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि जल्दी जल्दी मैं सदर बाजार को एक्सप्लोर करूं। फिर भी मैं दो हफ्ते बाद सदर बाजार को एक्सप्लोर करने के लिए आई हूं। तो चलिए देखते हैं संडे सदर बाजार में आप क्या नया देखते हैं, विंटर के लिए क्या देखते हैं। तो चलिए बने रहना मेरी वीडियो में मेरे साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए लाइक करना। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं सदर बाजार को। तो मैं पहुंच चुकी हूं सदर बाजार के मेन रोड पर। यहां पर पहुंचने के बाद ना फर्स्ट लेफ्ट कट जो दिख रहा है ना आपको, ये जो रोड जा रही है यहां पर सारी रुई मंडी लगती है। इसकी वीडियो भी मैं नेक्स्ट लेकर आऊंगी। और ये सामने बिल्कुल सीधा मेन रोड है सदर बाजार का। इसमें सारी फुल आपको पटरी मार्केट लगी हुई मिलती है संडे को। और इसी रोड पर राइट हैंड साइड पर क्रॉकरी मार्केट भी आपको मिलती है। तो सबसे पहले मैं इन भैया के पास पहुंची हूँ। यहाँ पर ना ये भैया बच्चों के हेड कवर्स दे रहे थे, जिनसे ना सर्दियों में बच्चों के कान ढक जाते हैं और हवा भी नहीं लगती है बच्चों को। और इनके जो प्यारे प्यारे क्यूट से जो स्टाइल दिख रहे हैं ना आपको कार्टून्स के, ये बहुत प्यारे लग रहे थे मुझे। और ये दे रहे थे भैया 100 रुपये में 2 पीस, ठीक है। तो आप अपनी शॉप के लिए भी खरीदना चाहते हैं ना, तो इनको खरीद कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं शॉप पर बेचने के लिए। और इन भैया के ही बिल्कुल साथ में एक भैया ये डोर मैट्स लेकर खड़े हुए थे। इन भैया के पास ना पूरी सीधी लंबी लाइन बनी थी डोर मैट्स की, और मैं एक एक कर इनको इनकी डिजाइनिंग देख रही थी, लेकिन इतना हैवी हो गया था ना कि मैं उसको अच्छी तरह से नहीं देख पाई थी। तो आप 2-3 ऊपर के हैं ना, उन्हीं से आइडिया लगा लीजिए। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ये डोर मैट्स होते हैं और ये मिलेंगे आपको 100 रुपये में 4। इस बार ये नया दिखाता मुझे, इसमें ना वो प्लास्टिक की घास लगी हुई थी। तो अलग अलग डिजाइनिंग में भी ना अब ये आने लगे हैं। पूरी मार्केट में आपको संडे को जगह जगह कई भैया लोग खड़े हुए मिलते हैं, जो कि 100 रुपये में 4 डोर मैट्स मिलते हैं। तो उन्हीं के बैक साइड में एक भैया ये छोटा सा काउंटर लगाकर बैठे थे। ये चूड़ियों के पैक बने हुए हैं ना, ये 30-30 रुपए का एक पैक है। और ये मल्टी वाला ना बड़ा प्यारा लग रहा था, और ये सारी कांच की चूड़ियाँ हैं। 30 रुपये पर पैक के हिसाब से ये आपको मिलती हैं। और भैया के झोले में ना बड़े बड़े बॉक्सेस भी रखे हुए थे। एक भैया ने अपनी शॉप के लिए खरीदने आए हुए थे, तो भैया उनको दिखा रहे थे। जैसे ही भैया ने वो बॉक्स खोला, मैंने इसको जल्दी से कैप्चर कर लिया। तो ये पूरा बैंगल बॉक्स है, इसमें ना लटकन वाली भी कुछ कलीरे टाइप भी आपको लगी हुई मिलती है। तो जैसे जैसे आप मार्केट में आगे बढ़ते हैं, तो 100-150 रुपये में आपको इस तरह की बेडशीट सेल हुई दिखती हैं। हमेशा ही मैं आपको अच्छा अच्छा कलेक्शन दिखाती हूँ। यहाँ पर ये मिल रही थी बेडशीट, और ये दो मैम थी, इनको खोल खोल कर देख रही थी। मैंने इसको जब भी कवर कर लिया इसकी डिज़ाइनिंग देखने के लिए, तो इनके जो प्रिंट होते हैं ना काफ़ी अच्छे होते हैं। रेयन फैब्रिक में ये आपको मिलती हैं, सिर्फ 100 रुपये में ये आपको मिलती हैं। उसके बाद ये भैया दिखे थे मुझे, ये 30 रुपये में 12 कार्ड्स आपको बिंदी के पत्ते सेल कर रहे थे। मतलब बिंदी के जो कार्ड्स होते हैं ना, जो 1 रुपये का में मार्केट में 10 या 15 रुपये का मिलता है, ये पूरे आपको 30 रुपये में 12 मिलेंगे, ठीक है। तो शॉप के लिए खरीदना है, सेल करने के लिए वो भी आप खरीद सकते हो। तो ये जो डिब्बी होती है इसमें भी ना 15 कार्ड्स निकलते हैं। ये प्रज्ञा गोल्ड का पैकेट ना मेरे पास भी है, ब्लैक कलर का, जो मैं ब्लैक बिंदी लगाती हूँ, आपने देखा होगा। तो ये सारे साइज आपको मिलते हैं इसमें, ठीक है। ये भी 30 रुपये का मिलेगा, डिब्बी में आपको 15 कार्ड्स मिलेंगे और उसमें आपको एक दर्जन मिलेगी। पूरी मार्केट में ना आपको जगह जगह अलग अलग सामान देखने को मिलता है। ये ज्वेलरी सेल कर रहे थे भैया नेक पीसेज, इस बार इसका रेट था 140 रुपये। तो पहले एक गई थी मैं जब 120 था, इस बार 140 है, जब क्योंकि शादियों का सीज़न चल रहा है और इस काउंटर पर ना काफ़ी भीड़ थी। वो वाला मैं बाद में एक्सप्लोर करूंगी, पहले आप ये 60-70 रुपये वाले नेक पीसेज देख लीजिए। तो जैसे गर्लिश कलेक्शन होता है ना, गर्लिश लड़कियों के लिए, मतलब जैसे लहंगे के लिए लाइट लहंगा पहनती है तो लाइट ज्वेलरी ही वो पहनेंगी, तो इस तरह का लड़कियों के लिए ये 60-70 रुपये में ना नेक पीस मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। आजकल इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी ट्रेंडिंग है, तो इंस्टाग्राम की ना ट्रेंडिंग ज्वेलरी भी आपको सदर बाजार में आसानी से मिल जाती है। एक ये नेक्स्ट पीस मैं उठा रही हूँ यहाँ पर, ये मल्टी शेड का, ये भी भैया ने मुझे बताया था 70 रुपये में। और 60-70 रुपये में ना आप काफ़ी सुंदर ज्वेलरी आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी के आगे आते आते नीचे आप देख रहे हो ये चोकर सेट मिलेंगे आपको 60-60 रुपये के। कोई 60 का है, कोई 70 का है, बस 60-70 ऐसी रेंज है इनके अंदर। और ये पेंडेंट वाली माला भी आपको मिलेंगी 60-70 रुपये में। और एक राधा कृष्ण वाला मैंने इसमें देखा था, वो भी बहुत सुंदर था। और ये काउंटर छोड़ने का मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। डिब्बों के पीछे मुझे छुपे हुए ये वाले नेक पीसेस दिखे थे 60-60 रुपये में। और सबसे पहले जो मैंने मल्टी वाला दिखाया था ना, वो भी बहुत प्यारा था। आप मल्टी में नहीं लेना चाहते हो, सिंगल कलर में भी आपको मिलेगा। जैसे ये प्योर ब्लैक में है, ये चोकर सेट है। तो चोकर सेट तो ना बहुत मिलते हैं आपको सदर बाजार की जो पटरी मार्केट लगती है ना, उसमें आपको बहुत प्यारे प्यारे नेक पीसेस देखने को मिलते हैं। साई बाबा से ये मेरी व्यूअर मिली है यहाँ पर, क्या नाम है आपका?
प्रियंका और आरती पढ़ाना और प्रियंका साई बाबा से आए हैं, मेरा चैनल देखते हैं, उन्होंने मुझे पहचान लिया यहाँ पर भी, तो आप सब लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है मार्केट में, लोग मुझे पहचाने लगे, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। डांसर है ना, पर सामान वगैरह का ध्यान रखना। थैंक यू। तो अपने व्यूअर से मिलने के बाद मैं पहुंची हूँ इस वाले काउंटर पर। यहाँ पर ना सिर्फ 100-100 रुपये में ये पर्दे सेल हो रहे थे नेट के, तो ये 100 रुपये के हिसाब से ना बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप जब भी लेते हो ना अच्छे से चेक करना। मैंने ना इनकी रिंग वगैरह सब चेक की थी, वो भी 100 रुपये के हिसाब से बेटर थी। बस आप ना इनको मशीन वॉश मत करना, हल्के से हाथों से ना इनको हाथों से ही आपको वॉश करना है। मशीन वॉश करेंगे तो ना इनके रिंग ख़राब हो जाएंगे, लेकिन 100 रुपये के हिसाब से ना बहुत प्यारे पर्दे ही आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें भी ना बहुत सारे कलर आप देख सकते हो, देखो कितने सारे कलर नीचे रखे हुए हैं। तो एक विशेष सूचना ये है कि अगर आप जब भी 2-व्हीलर से आते हो, 4-व्हीलर से आते हो ना, अपने व्हीकल को अच्छे से कहीं पार्क करना, क्योंकि इस तरह के टो होते हुए मैंने व्हीकल्स देखे थे अपनी आंखों के सामने। तो ये जानकारी देना भी ना मैं आपको बहुत ज़रूरी समझती हूँ, ठीक है। यहाँ पर भैया ये 150 रुपये में 2 लेगिंग सेल कर रहे थे, ये गर्म कुर्ती सेल कर रहे थे, तो ये ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आई थी। फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि सदर बाज़ार में किस टाइप का सामान आपको मिलता है, अपनी पसंद बजट के हिसाब से आप पर शॉपिंग कर सकते हैं। जिनका बजट है इनको खरीदने का, जिनको ये पसंद आते हैं वो आसानी से खरीद सकते हैं। तो एक काउंटर मुझको यहाँ पर मिला है, यहाँ पर ये हेयर एसेसरीज मिल रही थी छोटी छोटी बच्चियों के लिए, 60 रुपये का पूरा पैक मिलेगा इसमें आपको, 12 छोटे छोटे पैकेट्स मिलेंगे। तो इसमें देखो छोटे छोटे क्लचर्स हैं, छोटी छोटी रबड़ बैंड है, डिजाइनर क्लिप्स हैं, तो ये आपको 60-60 रुपये में मिलते हैं, कई जगह आपको 50 रुपये में भी मिल जाएगा। तो रेट का डिफरेंस ना पूरी मार्केट में आपको मिलता रहता है, ठीक है। तो ये वाला काउंटर है, यहाँ पर भैया के पास चूड़े लगे हुए थे, लाइट और हैवी सभी तरह के चूड़े थे। छोटे वाले जो पैक देखे थे वो 60 रुपये के थे, और ये बैंगल जो आप देख रहे हैं ये 40-50 रुपये में, 30 रुपये में भी आपको कई जगह देखने को मिलती है। तो कुछ काउंटर तो ऐसे होते हैं ना जिन पे इतना सारा सामान होता है, जैसे कि इन भैया के पास बैंगल थे, चूड़े थे, क्लचर थे, तो पूरा ही इसमें मैंने सारा भैया का कवर करने की कोशिश की है। इनके पास कुछ वेलवेट की चूड़ियाँ भी थी, और भैया के पास कुछ ये रजवाड़े स्टाइल वाले भी चूड़े आपको मिलते हैं, ठीक है। और इन भैया के पास ना वो हेल्दी मेहंदी वाले पैक भी थे, ब्राइडल सेट जो होते हैं वो मैंने कवर नहीं किए। तो आगे एक अंकल जी ने काउंटर लगाया हुआ था, इसमें कुछ ईयरिंग आपको मिलते हैं 10 रुपये के, कुछ 20 रुपये के, कुछ 30 रुपये के, सबके अलग अलग रेंज है। अगर आप रिटेल में एक एक पीस खरीदते हो, लेकिन आप दर्जन में खरीदते हो ना इकट्ठे शॉप के लिए, या आप पूरे 12-24 खरीदना चाहते, तो उसके रेट अंकल जी ने अलग बताए थे। लेकिन इनकी जो डिज़ाइनिंग होती है ना बहुत प्यारी होती है, लेकिन जब भी आप खरीदते हो ना उनको खोलकर ज़रूर चेक करना है, जो भी सामान पॉलिथीन में पैक होगा ना वो आपको खरीदने से पहले ज़रूर चेक करना है। तो जगह जगह कुछ इस तरह की नेल पेंट भी मार्केट में सेल होती दिखाई देती है, कुछ 60 रुपये दर्जन है, 120 रुपये दर्जन है, 150 रुपये दर्जन है। तो क्वालिटी के हिसाब से ये काफ़ी अच्छी होती है, रेट के हिसाब से इनकी क्वालिटी डिपेंड करती है। देखो इस तरह का भैया एक बर्तन दे देते हैं, एक टब दे देते हैं, उसमें इस तरह से आप अपने सिलेक्ट करके कलर रख सकते हैं। और ये वाले अंकल मुझे दिखे थे, इनकी मैं आपको लोकेशन भी दिखाऊंगी, इनके पास इतनी सुंदर हेयर एसेसरीज थी ना, पूरी मार्केट में सबसे सुंदर हेयर एसेसरीज मुझे इनकी लगी थी। और ये 90 रुपीज पर पीस के, पर पैक के हिसाब से ही आपको मिलते, देखो कितनी डिजाइनर है। ये छोटी वाली आपको 30 रुपये मिलती है, देखो MR राखी लिखा है ना, MR राखी के बिल्कुल इधर पटरी लगती है, उसके यहीं पर ये अंकल जी काउंटर लगाते हैं। और जो आप ये गजरा सेट देख रहे हो ना, बस ये इतना रियल लग रहा था ना कि इसको मेरा छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बस इसमें ना एक खुशबू की कमी थी कि इसमें खुशबू नहीं आ रही थी, लेकिन ये रियल फ्लावर्स से कम भी नहीं लग रहे थे। तो अंकल की ना भी आपको मैं फ़ोटो दिखाऊंगी, शक्ल दिखाऊंगी। ये वाले अंकल जी हैं, बोल रहे थे ये खुद इनके मैन्युफैक्चरर हैं, तो अगर आप बल्क में ख़रीदना चाहते हैं तो अंकल जी के पास आकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी इनके पास ना बहुत सुंदर कलेक्शन है इन हेयर एसेसरीज़ का, बिल्कुल रियल फ्लावर आपको मिलेंगे, सिंगल कलर में भी और रंग बिरंगे कलर में आपको ये मिलते हैं। और ये इन्हीं के पास ये छोटे छोटे गजरे मिल रहे थे, इनकी क्वालिटी भी ना बिल्कुल रियल वाली थी, ठीक है। तो ये आपको मिलता है 40 रुपये पर पैक के हिसाब से, ठीक है। तो अलग अलग क्वालिटी में आपको पूरी मार्केट में इस तरह की हेयर एसेसरीज मिलेंगी, आप अपनी पसंद के हिसाब से खरीद सकते हैं। तो इस बार ना ये नए चूड़े मुझको दिखे थे, चूड़े स्टाइल वाले कड़े हैं ये, और बहुत ही सुंदर था, 60-65-70 रुपये में आपको जगह जगह पूरी बाजार में देखने को मिलता है, और इस तरह के पूरे बॉक्स में आपको मिलते हैं, रंग बिरंगे कलरफुल बैंगल्स मिलते हैं, और ये काफ़ी अच्छे निकलते हैं। मैंने भी खुद खरीदे हुए हैं, इनको यूज़ किया हुआ है, इनमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है। फिर भी आप जब भी खरीदते हो
आपको अच्छे से ज़रूर चेक करना है, ठीक है। तो मार्केट में काफ़ी रश हो जाता है, अगर आप मार्केट में आना चाहते हैं तो सुबह 7-8 बजे तक जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करना, क्योंकि सर्दियां आ गई हैं, तो आप 8-8:30 बजे तक भी यहाँ पर पहुँच सकते हो। तो आगे ये सेल कर रहे थे भैया 100-100 रुपये में, ये फैदर वाले स्टॉल सेल कर रहे थे, तो इनकी क्वालिटी ना 100 रुपये के हिसाब से सही थी, ठीक है। मुझे इनमें कोई भी बुराई नहीं लगी, अगर बुराई होती तो मैं इसको कवर ना करती। जो जो कलेक्शन मुझे अच्छा लगता है ना, मैं उसी को आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। और ये क्रीम कलर का भी ना बहुत सुंदर लग रहा था। थैंक यू सो मच मैम, कहाँ से आए? पंजाब से। थैंक यू। होगी शॉपिंग? हाँ जी हाँ जी, आज आपकी मैं लेट हो गई। क्या नाम है मैम आपका? नीरू मैम, पंजाब से। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे। तो ये मैम और सर भी आए थे मेरी वीडियो देख के पंजाब से, तो मैं उनको थैंक बोल रही थी। तो उसके बाद उनसे बातें करने के बाद ये मैंने क्रक्स का काउंटर देखा है, पर 50-50 रुपये के छोटे बच्चों के क्रक्स मिलते हैं। हमेशा भी ये लगाते हैं, सर्दियों में भी लगा रहे हैं, गर्मियों में भी लगाते हैं, ठीक है। फिर भी जब भी खरीदते हो इनको पॉलिथीन से निकाल कर आपको चेक करना है। उसके बाद 20-20 रुपये में सिर्फ ये ईयरिंग मिल रहे थे, छोटे छोटे जो होते हैं ना, जैसे टीनेज गर्ल पहनती हैं, कॉलेज जाना, ऑफिस तो नहीं स्कूल जाना है, तो इस तरह के इयररिंग्स आप लाइट वेट में पहन सकते हो। ये वाली मैम मिलेंगी अपने दो प्यारे प्यारे बच्चों के साथ बैठकर यहाँ पर सेल करती हैं। तो उनसे ही आगे एक नेक्स्ट काउंटर देखा था मैंने, यहाँ पर ये शॉल मिल रही थी 200 रुपये पर पीस के हिसाब से, और 200 रुपये के हिसाब से ना उनका बहुत अच्छा फैब्रिक था, और डिज़ाइन भी इस बार काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी सॉफ्ट फैब्रिक में था। इनकी लोकेशन आप देख लीजिए, यहाँ पर सचदेवा ट्रेडर्स है, उसके आगे बीच वाली पटरी पर इन्होंने अपना काउंटर लगाया हुआ है। तो पूरी लाइन लगी रहती है 3-4 जगह पूरे रोड पर, तो अलग अलग सामान आपको देखने को मिलता है। तो खोलकर आप, मैंने आपको डिज़ाइनिंग दिखा दी, आप अपनी पसंद के हिसाब से देख सकते हैं। तो अगेन मेरी एक व्यूअर मिल गई थी। अच्छा अच्छा, तो ब्लॉगिंग के लिए, चलो बहुत अच्छी बात है। वो वाला भी बोल दो ना, चोरी करेगी मोटी होके मरेगी। तो ये वाला डायलॉग भैया ने इसलिए बोला क्योंकि ना काफी लेडीज जेंट्स बच्चे यहाँ पर चोरी भी करते हैं, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ जब भी आप मार्केट में आते हो ना, अपने मोबाइल पर्स पैसों का ज़रूर ध्यान रखिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर बंदा शॉपिंग करने ही निकला है, कुछ बेईमानी करने के लिए भी निकलते हैं मार्केट में। तो इन भैया के पास ना बहुत प्यारी बैंगल्स का कलेक्शन आपको दिखता है, छोटे से छोटा क्यूट कलेक्शन आपको देखने को मिलता है। और इनकी बैंगल्स ना मैंने भी खरीदी हुई हैं, काफ़ी अच्छी निकलती हैं। भैया की जो चूड़ियाँ हैं रंग बिरंगी, ये आपको मिलती हैं मेटल में मिलती हैं और वेलवेट वाले फैब्रिक में मिलती है, मतलब फैब्रिक नहीं है उसका ऊपर कोटिंग किया होता है। तो आगे चलते चलते आपको हैंडबैग के भी बहुत सारे काउंटर दिखाई देते हैं। ये वाला काउंटर था सिर्फ 100 रुपये पर पीस के हिसाब से, 100 रुपये में ना आप इतने प्यारे प्यारे यहाँ से हैंडबैग पिक कर सकते हैं, और कहीं पर आपको 100 का मिलता है, कहीं 120 का मिलता है। इनका बिल्कुल जो नेक्स्ट काउंटर है ना, मैं भी आपको दिखाऊंगी, वहाँ पर वो 120 का था। पहले आप ये 100-100 रुपये वाले देख लीजिए, इनमें भी आपको काफ़ी अच्छा डिज़ाइन मिल जाता है। और ये वही वाले भैया जो ब्रांडेड पर्स रखते हैं, इस बार भैया के सारे ब्रांडेड जो पर्स थे ना सारे सेल हो चुके थे। भैया बोल रहे थे अगर मैम आपको खरीदने हैं ना तो आप 6 बजे भी मेरे पास आ सकते हो। भैया बोल रहे थे कि मैं 4-4:30-5 बजे तक अपना काउंटर लगा लेता हूँ, तो इतनी जल्दी भैया काउंटर लगाते हैं, इसलिए भैया के ना सारे ब्रांडेड वाले जो ब्रांडेड कॉपी होती है ना वो सारे सेल हो जाते हैं भैया के हैंडबैग्स, ठीक है। तो ये वाले सारे मिल रहे हैं आपको 120 रुपये में। तो 120 रुपये में भी कुछ आपको पिट्ठू बैग भी मिल जाते हैं। देखो इसमें सारा ना वो जो चेन होती है मेटल वाली, उसकी डिज़ाइनिंग बनाई गई थी सारी रेड कलर में, बहुत प्यारा पीस था। और कुछ भैया के पास 120 रुपये में पिट्ठू बैग भी थे, ये रेड कलर का, इसका कलर बड़ा प्यारा लग रहा था, एकदम चेरी रेड वाला कलर था ये, ठीक है। तो इस तरह का कलेक्शन आपको मिलता है। लो जी, हरिद्वार जाना, काशी जाना, मथुरा जाना, सदर बाजार आओ तो घोड़े वाले से जरूर हाथ मिला के जाना, इम्पोर्टेड। तो ये अंकल जी भी बहुत मेहनत करते हैं अपने सामान को बेचने के लिए, ये इस तरह के ना शो पीस बेचते हैं, एनिमल्स की फिगर वाले, ऊंट होता है, घोड़ा होता है, हाथी होता है। क्योंकि कुछ इस तरह का नज़ारा भी आपको मार्केट में देखने को मिलता है। ये कुछ इस तरह के शैम्पू मॉइस्चराइजर वगैरह सेल कर रहे थे, लेकिन ये मैं नहीं कहूँगी कि आप खरीदो या ना खरीदो, आपकी इच्छा है इनको खरीदने की, क्योंकि ये थोड़े मुझको फेक लगते हैं, ठीक है, वो आपकी पसंद है, खरीदो या ना खरीदो। ये भैया सेल कर रहे थे 100 रुपये में 2 बैग, तो 100 रुपये में 2 बैग ना बड़ा अच्छा
सौदा था ही। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद लेना, और क्वालिटी इनकी बढ़िया थी। आपकी मार्केट में ना ये आपको 125-150 रुपए में आपको मिलता है। तो आगे चलते हुए भैया ना एक ये विंटर के स्लीपर सेल कर रहे थे सिर्फ 100 रुपए में, 100-120 में ये भैया सेल कर रहे थे, और क्वालिटी वही थी जो आपको सरोजनी लाजपत में मिलती है ना, 250-300, 350-400 रुपये तक भी मिलते हैं ऐसी मार्केट्स में। तो भैया कह रहे थे मेरी मजबूरी यही है कि मैं इनको 100 रुपये में इसलिए सेल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई शॉप नहीं है, पर्टिकुलर काउंटर नहीं है, पटरी पर सेल कर रहा हूँ इसलिए इनको सस्ता बेच रहा हूँ। तो अगर ये आपको भैया दिखते हैं ना तो आप इनसे खरीदना चाहते हैं तो खरीद लेना, क्योंकि इनके प्राइस कम है, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और विंटर्स का काफ़ी अच्छा कलेक्शन है मार्केट में। ये ग्लव्स मिल रहे थे 50 रुपये से इनकी रेंज स्टार्ट हो जाती है। साइज़ और मटेरियल के हिसाब से इनके रेट अलग है, 50, 60, 90 भैया ने मुझे इनकी रेंज बताई थी। तो इसमें बाइक वाले बॉयज़ के लिए आपको ग्लव्स मिलते हैं, बच्चों के लिए मिलते हैं, और जैसे कि क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, तो क्रिसमस का भी काफ़ी डेकोरेटिव आइटम इस मार्केट में आपको दिखता है। ठीक है, तो इस मार्केट में वही आइटम आपको दिखते हैं जैसे जैसे कोई त्यौहार आने वाला है, शादियों का सीज़न आने वाला है, तो उस तरह के सामान की ना ज़्यादा आपको शॉप्स दिखाई देती है पूरे बाज़ार में। तो इस तरह का ये सारा डेकोरेटिव आइटम है, भैया ने इसके प्राइस नहीं बताए हैं, लेकिन भैया बोल रहे थे आप वीडियो शूट कर लो, जब कस्टमर खरीदने आएंगे तो मैं उनको उनके रेट बता दूंगा। ठीक है, तो इस तरह के आप देख सकते हो, जो भी आपको गिफ्ट करना है, पार्टी के लिए सामान खरीदना है, तो ये आपको एक तो मिलेगा नहीं, इसमें से एक पीस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, आपको पूरा पैक खरीदना पड़ेगा। ठीक है, और इन भैया के पास सेंटा क्लॉज की ड्रेसेस भी थी सभी साइजेस में, 0 साइज से लेके 14-15 साल तक के बच्चों की और बड़ों की सभी आपको ड्रेसेस मिलती है। इनकी रेंज स्टार्ट हो जाती है 200 रुपये से। ठीक है, 150-200 रुपये की रेंज से साइज़ के अकॉर्डिंग इनकी प्राइस है, और सेंटा क्लॉज आप बन सकते हैं, अपने बच्चों को बना सकते हैं, पार्टी इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी जगह मार्केट में इस तरह का सामान आपको सेल होता हुआ दिखाई देता है। तो आगे चलते हुए ना मुझे ये मिनी सिलाई मशीन दिखाई दी थी, भाई मैंने ना नाप तोल पर टीवी पर देखी थी, ये आपको मिलती है 600-650-699 में, लेकिन यहाँ पर मिल रही थी सिर्फ 120-150 रुपये में। ठीक है, ये वर्क कैसे करती है पता नहीं है मुझे, अगर किसी ने इसको ख़रीदा हुआ इसे यूज़ किया हुआ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये हाथ से कपड़े को सील देती है, भैया कहते हैं छोटा मोटा जैसा कटफट जाता है ना, उसको आसानी से आप कहीं भी सील सकते हो। तो कुछ इस तरह के फ़ोन पर लगाने वाले टेम्पर्ड भी आपको मार्केट में दिखाई देते हैं, आपके जो भी मोबाइल का मॉडल होगा उसका कवर भी मिलेगा, आपको टेम्पर्ड भी मिलेगा, अलग अलग कलर में आपको मिलते हैं। अगर आपकी शॉप है, अगर आप अपनी शॉप के लिए ख़रीदना चाहते हो तो उसके रेट भैया अलग बताएंगे कि दर्जन में कितना मिलेगा, लेकिन भैया ने मुझे इसका प्राइस 120 रुपये पर पीस के हिसाब से बताया था। इसमें कलर भी आपको काफ़ी मिल जाते हैं। तो इस तरह के बिज़नेस आइडिया ना आप सदर बाज़ार से काफ़ी अच्छे तरीके से ले सकते हो अपने बिज़नेस करने के लिए, शॉप खोलने के लिए, किसी भी तरह का सामान चाहिए ना आपको, आप मार्केट में आसानी से विज़िट कर सकते हैं। तसल्ली से, समझदारी से शॉपिंग कीजिए, अपने बजट के हिसाब से शॉपिंग कीजिए। यहाँ पर भैया ना किसी का टेम्पर्ड लगा रहे थे, फ़ोन को क्लीन कर रहे थे, तो मैंने उसको थोड़ा सा कवर कर लिया है। तो भाई देखो ये है मार्केट का व्यू, करीब 8:30-9 बजे का टाइम है, मार्केट में इतनी भीड़ हो जाती है, मैं इसीलिए आपको बोलती हूँ आप मार्केट में टाइम से आइए। जब भी आते हैं अपने पैसों का, पर्स मोबाइल का ध्यान रखिए, और विशेषकर अपने बच्चों को बिल्कुल भी मार्केट में ना लाएं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, जय माता।